रूट थ्री, रूट सिक्स, रूट नाइन एंड रूट ट्वेल्व। तो यहां पे आप अगर 3, 6, 9, 12 को देखेंगे तो आपको वो एपी में लगेंगे, लेकिन उनमें रूट लगा हुआ है, ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है, तो ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ऐसे बात खत्म, आगे के वो पद नहीं लिखने आप लोगों को। 14th देखिए, 14th, 14वां, ये एपी में नहीं है बच्चों, इसमें से ये बाहर आ रहा है, तीन तीन लिख सकते हैं, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ पा रहा, इसमें से दो एक पेयर बना रहा है, बाहर आ रहा है, लेकिन वो एपी नहीं बन रही है। यस, अब हम 14वां देख रहे हैं, 1 square, 3 square, 5 square, 7 square, ... यस, इधर देखिए, 1 square is 1, 3 square is 9, 25, 49। अगर आप केवल 3, 1, 3, 5, 7 इन पदों को देखेंगे तो ये एपी लगेगा, लेकिन इनके स्क्वायर होने के बाद में ये कहीं कोई एपी नजर नहीं आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है। यस बच्चों, एपी में नहीं है। और 15वें सवाल के रूप में है, 1 square, then 5 square, 7 square, 73, इस तरह से। तो ये 1 है, ये 25 है, ये 49 49 है, और ये 73। अगर इनके बीच में आप गैप देखेंगे, गैप तो 24 का गैप दिख रहा है, तो आप आगे के पद 24 ऐड करते हुए, जोड़ते हुए आगे के तीन पद खुद लिखिएगा, इसमें 24 ऐड करना है, 24 ऐड करना है, आपको कोई स्क्वायर वगैरह पे उस पर ध्यान नहीं देना, इस पर 24 ऐड कीजिए, 97 आ जाएगा, फिर 24 ऐड कीजिए, फिर 24 ऐड कीजिए, आगे के तीन पद आप बता सकते हैं। बच्चों 5.2 में एक सूत्र का यूज है, उसके एक दो सवाल हम आज करवाएंगे, जिससे आप कल के दिन अपने लेवल पे 5.2 को हल करने की कोशिश कीजिए। और हमें मालूम है कि आप में से कई साथी पांचवें एक्सरसाइज पहले से कर चुके हैं, तो उनके लिए तो ये दोहरान हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो हम वो सूत्र की तरफ आप लोगों को लिए जा रहे हैं जो 5.2 में लगेगा। यस, इधर का पार्ट आप उतार लीजिए, हाँ बच्चों समझिए, 5.2 के लिए जो सूत्र है उसके बारे में